हेलो एवरीवन, आई एम फरहा शाहरुख। इन दिस वीडियो आई टेल यू दैट हाउ टू स्ट्रक्चर योर आर्टिकल। अगर आप कोई ब्लॉग लिख रहे हैं, कोई आर्टिकल लिख रहे हैं, तो आपको कौन कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो फॉलो करने चाहिए फ्रॉम द स्टार्ट टिल द एंड। तो आप ऐसे कौन कौन सी मेथड्स यूज करें जिसके थ्रू आप एक कोहेरेंट आर्टिकल लिख सकते हैं, ये मैं बताऊंगी आपको आज की वीडियो में। सो डू वॉच द होल वीडियो। दीज आर द फोर मेन स्टेप्स फॉर स्ट्रक्चरिंग योर आर्टिकल। नंबर वन इज टाइटल, नंबर टू इज इंट्रोडक्शन, नंबर थ्री इज मेन बॉडी, एंड नंबर फोर इज कंक्लूजन। दीज फोर मेन हेडिंग्स एक्चुअली बिल्ड योर आर्टिकल। अगर आप इन चार स्टेप्स को ईजिली फॉलो करेंगे तो आप ईजिली अपना आर्टिकल जो है वो उसको स्ट्रक्चर कर सकते हैं बहुत अच्छे से। सबसे पहले मैं बात करूंगी टाइटल की। टाइटल जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपका जो टाइटल है वो बहुत ज्यादा आई कैची और अट्रैक्टिव होना चाहिए कि अगर आपके रीडर को उस टॉपिक में इंटरेस्ट ना भी हो तब भी वो आपका आर्टिकल जरूर पढ़े। तो टाइटल कैसे बनाते हैं और उसको अट्रैक्टिव कैसे बनाते हैं, इस सब पे मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ, आप लोगों वीडियो जरूर देखिएगा ताकि आपको पता लगे कि कैसे अट्रैक्टिव टाइटल जनरेट कर सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंट्रोडक्शन। फॉर एग्जाम्पल, मेरे आर्टिकल का जो टाइटल है वो है द स्कोप ऑफ फ्रीलांसिंग फॉर फ्रेश ग्रेजुएट्स। ये मेरा एक आर्टिकल का टाइटल है। अब मेरे पास यहाँ पर मैंने चार इंट्रोडक्शन लिखे हैं, चार किस्म के इंट्रोडक्शन लिखे हैं जिसके थ्रू आप अपना आर्टिकल जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले जो मैंने इंट्रो यहाँ पर लिखा है वो मैंने रिसर्च बेस पर लिखा है, जो जो रीसेंट रिसर्चेस हैं रिलेटेड टू फ्रीलांसिंग उसके बारे में मैंने यहाँ पर थोड़ा सा लिखा है और फिर मैंने उसकी इम्पॉर्टेंस बताई है। बिकॉज यहाँ पर हमें क्या करना है, इस टाइटल के साथ हमें फ्रीलांसिंग का इम्पॉर्टेंस बतानी है फॉर फ्रेश ग्रेजुएट्स। ठीक है, तो नंबर वन इंट्रोडक्शन में मैंने यहाँ पर जैसे लिखा है कि इट इज़ एस्टिमेटेड दैट फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री कंट्रीब्यूट्स बिटवीन 23.16 टू 42.9 ट्रिलियन डॉलर्स टू द वर्ल्ड इकोनॉमी एनुअली। द फैक्ट्स ऑल्सो शोड दैट 50% ऑफ वर्कर्स एज्ड बिटवीन 18 टू 22 ईयर्स ओल्ड हैव फ्रीलांस्ड एट सम पॉइंट इन देयर लाइफ्स। This clearly depicts that freelance market is evolving rapidly, which in turns increase the employment rate for young generations. यहाँ पर मैंने recent researches के through importance बताई है freelancing की, especially for the fresh graduates. क्योंकि यहाँ पर मैंने उनको बता भी दिया कि 50% जो workers हैं उनका जो age bracket है वो 18 से 22 years तक का है। ठीक है, अच्छा, next जो मैंने intros लिखा है वो है वो जो स्टार्ट हो रहा है वो एक क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहा है, जो क्वेश्चन हम अपने रीडर से कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, डू यू ड्रीम अबाउट बिकमिंग अ फ्रीलांसर। ये मैं अपने रीडर से पूछ रहा हूँ कि वो एकदम अट्रैक्ट हो कि हाँ मुझे तो, क्योंकि इस आर्टिकल को वो लोग ही पढ़ेंगे जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं और जो फ्रीलांसिंग की तरफ मूव ऑन करना चाहते हैं अपने करियर को। तो मैं उनसे पहले सवाल कर रही हूँ। मैंने यहाँ पर अपना इंट्रो जो है वो एक क्वेश्चन से स्टार्ट किया है। डू यू ड्रीम अबाउट बिकमिंग अ फ्रीलांसर, द जर्नी to becoming a freelancer and breaking free from 9-to-5 life is not an easy task. However, freelance life is exciting and much comfortable than any other job. As a freelancer, you will be able to manage your own time, work from the comfort of your own home, and even adopt a digital nomad lifestyle and work from anywhere in the world. यहाँ पर भी मैंने फ्रीलांस की एक अलग एस्पेक्ट उनको बताया है। उनसे पहले मैंने क्वेश्चन किया, फिर मैंने उनको बताया फ्रेश ग्रेजुएट्स को कि 9-to-5 लाइफ से हटकर यहाँ पर आपको एक एक्साइटिंग और एक कंफर्टेबल जॉब मिल रही है। ठीक है, द थर्ड इंट्रोडक्शन जो है वो मैंने एक कोट से स्टार्ट किया है, चेंज हाउ यू आर पेड चेंज योर लाइफ। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक कोटेशन से स्टार्ट किया है और यहाँ पर मैं उनको बता रही हूँ कि फ्रीलांसिंग मीन्स टू वर्क एज एन इंडिपेंडेंट कंपनी रादर देन टू बी एम्प्लॉयड बाय समवन एल्स। मतलब यहाँ पर मैं अपने कोट से रिलेटेड, जैसे उन वहाँ इसमें कोट में लिखा हुआ है चेंज हाउ यू आर पेड, ठीक है, तो मैं उससे रिलेटेड यहाँ पर बता रही हूँ कि फ्रीलांसिंग जो है वो इंडिपेंडेंट कंपनी है, उसमें आप किसी के एम्प्लॉय नहीं हो, आपकी अपनी मर्जी है आप जब काम करो। तो फ्रीलांसर्स आर सेल्फ एम्प्लॉयड एंड ऑफन रिफर्ड टू एज इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स। Freelancers are responsible for all sorts of things and that traditional employees are not, such as setting their work hours, keeping track of time spent on different projects, billing clients and paying their own employment and business taxes. Freelancers are considered employees by the companies they work for, but rather contractors. ठीक है, तो ये यहाँ पर मैंने
उनको ये इस एस्पेक्ट से बताया है कि आप अपना नजरिया बदलिए कि आपको कैसे पे किया जाएगा। आप खुद एक जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, आपको कोई हायर नहीं कर रहा, आपकी मर्जी, आप जैसे काम कर सकते हैं, ठीक है। ओके, जो फोर्थ इंट्रोडक्शन है उसमें मैंने डायरेक्ट अपने रीडर से कन्वर्जेशन करी। यू आर अ फ्रेश आउट ऑफ कॉलेज और सून टू बी अ ग्रेजुएट और यू आर वंडरिंग वॉट टू डू नेक्स्ट। यू मे फील प्रेशर टू गेट नॉर्मल जॉब एंड सेटल इन टू अ करियर अदर पीपल डिमांड ऑफ यू। एक्सेप्ट यू आर यंग, एम्बिशियस एंड डेस्परेट टू ट्रेवल एंड इवन मोर एंथुजियास्टिक टू फॉर अ करियर पाथ सूट्स यू डिजायर्ड लाइफ स्टाइल फॉर यू फॉर अ गो गेटर लाइक यू। फ्रीलांसिंग माइट वेल बी अ परफेक्ट वे फॉरवर्ड। ठीक है, यहाँ पर मैंने उन चीजों पे बात करी है जो एक फ्रेश ग्रेजुएट सोचता है, एक नॉर्मल जॉब, ठीक है। दे आर डेस्परेट टू ट्रेवल, दे आर एंथुजियास्टिक, तो उनके लिए कौन सी चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है? फ्रीलांसिंग, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर डिफरेंट एस्पेक्ट से इंपॉर्टेंस बताई है। इन चारों इंट्रोडक्शन में मैंने इंपॉर्टेंस बताई है फ्रीलांसिंग की, लेकिन मैंने सबसे पहले एक रीसेंट रिसर्चेस के थ्रू बताई है फ्रीलांसिंग की इंपॉर्टेंस। सेकंड, मैंने क्वेश्चंस के साथ स्टार्ट किया अपना इंट्रोडक्शन। थर्ड, मैंने जो इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया वो एक कोटेशन से, एंड फोर्थ में मैंने डायरेक्ट अपने रीडर से कॉन्वर्सेशन करी है, ठीक है। तो इस तरह से आप अपना इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है मेन बॉडी। मेन बॉडी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है इन द रिस्पेक्ट के आप उसके अंदर हर चीज फिल अप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप उसके अंदर हेडिंग्स के साथ सब हेडिंग्स ऐड कर सकते हैं, बुलेट पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं, पिक्चर्स, इन्फोग्राफिक्स ऐड यूज कर सकते हैं, कोई डिफरेंशिएट बताने किसी चीज का, ठीक है। तो आप उसमें कॉलम्स ऐड कर सकते हैं, कोटेशंस ऐड कर सकते हैं, कोई रिसर्चेस, कोई स्टैट्स ऐड कर सकते हैं रीसेंट, ठीक है। ये सारी चीजें जो हमें फिल करनी होती हैं वो अपनी मेन बॉडी पे। इंट्रोडक्शन जैसे मैंने आपको बताया, आपने स्टार्ट किया, फिर आप थोड़ा बहुत डिफाइन करेंगे व्हाट इज फ्रीलांसिंग, एंड देन यू विल स्टार्ट फ्रॉम द सब हेडिंग्स, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने जो सब हेडिंग्स बनाई हैं वो हैं टाइप्स ऑफ फ्रीलांसिंग। टाइप्स ऑफ फ्रीलांसिंग जो है वो हमारी मेन बॉडी की फर्स्ट मेन हेडलाइन होगी, उसके बाद हम इसके अंदर सब हेडिंग्स ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टाइप्स ऑफ फ्रीलांसिंग में आ जाती है वर्चुअल असिस्टेंट्स, ठीक है, कंटेंट राइटिंग आ जाती है, आईटी एंड वेब डेवलपमेंट आ जाती है, डिजाइनिंग एनिमेशन आ जाती है, ठीक है। ये सारी चीजें हमारे पास क्या है, टाइप्स ऑफ फ्रीलांसिंग की। तो इसको हम थोड़ा बहुत डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने कंटेंट राइटिंग को डिफाइन कर लिया 2 लाइंस में, ठीक है। हमने वर्चुअल असिस्टेंट्स को डिफाइन कर दिया 2 लाइंस में, ठीक है। देन वी हैव 7 इजी स्टेप्स टू बिकम अ फ्रीलांसर, ठीक है। बिकॉज अभी फ्रेश ग्रेजुएट्स को हम क्या बता रहे हैं, फ्रीलांसिंग की तरफ, तो हम उनको इजी स्टेप्स बताएंगे कि इजी स्टेप्स कौन कौन से हैं जिसके थ्रू आप फ्रीलांसिंग की वर्ल्ड में आप आ सकते हैं और अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं। देन ऑफ कोर्स, उन जब वो अपना स्टार्ट करेंगे करियर एज अ फ्रीलांसर, तो उनको टूल्स की जरूरत होगी। तो कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टूल्स हैं जिसको वो अगर यूटिलाइज करें तो अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं एज अ फ्रीलांसर, ये हम आपको बताएंगे, ठीक है। एंड देन यू हैव वी हैव 5 यूजफुल वेबसाइट्स दैट हेल्प यू टू फाइंड अ जॉब टुमारो, ठीक है। तो इसमें बुलेट पॉइंट्स आ जाएंगे कि जो भी top 5 वेबसाइट्स हैं जहां पर काम मिलता है फ्रीलांसर्स को, जहां पर आप अपना अकाउंट बना सकते हैं, आपको काम मिल सकता है, वो हम यहाँ पर बताएंगे। तो आप यहाँ पर बुलेट्स यूज करते हैं, यहाँ पर हम सब हेडिंग्स यूज नहीं करेंगे, हम उनको डिफाइन करने की हमें जरूरत नहीं है वेबसाइट्स को, हम यहाँ पर बुलेट पॉइंट्स यूज करेंगे और top 5 वेबसाइट्स बता देंगे। देन वी हैव चैलेंजेस फॉर फ्रेश ग्रेजुएट्स एज अ फ्रीलांसर, एट द एंड हम थोड़े बहुत उनको चैलेंजेस या भी रिस्क फैक्टर्स हैं वो हम सारा उनको बताएंगे कि ताकि हमारे जो आर्टिकल है वो सारी चीजें कवर करे, ठीक है। एंड अगर आपको ये चैलेंजेस ऐड नहीं करने तो यू कैन ऐड प्रोज एंड कॉन्स ऑफ फ्रीलांसिंग, जहां पर हम उनको अच्छी चीज भी बताएंगे और थोड़ी बहुत जो रिस्क फैक्टर्स हैं वो भी ऐड करेंगे। लेकिन प्रोज एंड कॉन्स में आप जो है वो कॉलम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। आपने फॉर एग्जाम्पल कॉलम ऐड करा और एक तरफ आपने प्रोस बताया, एक तरफ आपने कॉन्स बताया, ठीक है। तो इस तरह से आपने अपनी मेन बॉडी में हर चीज फिल आउट कर ली, ठीक है। और आपने हर चीज फिल करने के बाद अपनी एक आर्टिकल को एक यूनिक बनाया, उसका कंटेंट जो है वो बहुत अट्रैक्टिव बनाया और उसमें सारी इंफॉर्मेशन जो एक फ्रेश ग्रेजुएट को चाहिए होती है अपना करियर स्टार्ट करने के लिए एज अ फ्रीलांसर, वो आपने सब ऐड करा, ठीक है। ओके, लास्ट स्टेप जो है हमारे पास वो है कंक्लूजन का। यहाँ पर आपको अपने कंक्लूजन में बताना है जो भी आपके आर्टिकल का पर्पस है। आपके आर्टिकल का पर्पस क्या है कि जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं वो अट्रैक्ट हों और उनको उनका करियर स्टार्ट हो एज अ फ्रीलांसर। अब करियर कैसे स्टार्ट होगा, ऑब्वियसली
जब जो भी है फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, जो जो वो क्या सोचेंगे कि हमें जॉब मिलेगी एज अ फ्रीलांसर, हमें काम मिलेगा एज अ फ्रीलांसर, तभी हम स्टार्ट करें ना अपना करियर एज अ फ्रीलांसिंग के फ्रीलांस में. तो यहाँ पर मैंने कंक्लूजन में क्या लिखा है कि देयर आर डजन्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रीलांस जॉब्स एंड मोर कंपनीज आर हायरिंग फ्रीलांसर्स देन एवर बिफोर. फाइंडिंग फ्रीलांस वर्क डजेंट हैव टू बी कॉम्प्लिकेटेड. फ्लेक्स जॉब पार्टनर्स विद थाउजेंड्स ऑफ कंपनीज रेंजिंग फ्रॉम फॉर्च्यून 500 टू स्मॉल बिजनेसेस टू ऑफर फ्रीलांस गिग्स, फुल टाइम जॉब्स एंड पार्ट टाइम जॉब्स इन मोर देन 50 जॉब कैटेगरीज. इट्स ईजी फॉर फ्रेश ग्रेजुएट्स टू स्टार्ट देयर करियर एज अ फ्रीलांसर विदाउट द हसल ऑफ जॉब हंटिंग प्रोसेस. बी योर ओन बॉस एंड मेक मनी. एट द एंड मैंने उनको क्या बताया कि बी योर ओन बॉस एंड मेक मनी. ठीक है, तो इसमें मैंने क्या बताया जो मेरा रीडर एक्चुअल में सुनना चाहता था कि कितनी जॉब्स है मार्केट में. तो यहाँ मैंने उनको बताया कि भाई फॉर्च्यून 500 से लेकर स्मॉल बिजनेसेस जो हैं वो भी जो है वो पार्ट टाइम जॉब्स दे रहे हैं, 50 कैटेगरीज में दे रहे हैं, फ्रीलांसर्स को मिल रही हैं सारी जॉब्स और फ्रीलांसर्स ही हायर हो रहे हैं. ठीक है, कितनी ज़्यादा उनकी डिमांड है ओवरऑल द वर्ल्ड, ये सब मैंने बताया. और फिर मैंने एट द एंड उनको ये भी बता दिया कि फ्रेश ग्रेजुएट्स जो हैं वो अपना फ्रीलांसिंग करियर स्टार्ट कर सकते हैं विदाउट एनी जॉब हंटिंग प्रोसेस. ठीक है, क्योंकि उनको इजीली सिल्वर प्लेटर में जॉब्स मिल रही हैं ऑल अराउंड द वर्ल्ड. ठीक है, उनको वर्क फ्रॉम होम मिल रहा है. तो ये सारी चीज़ें मेरा रीडर सुनना चाहता था और जो मैंने स्टार्ट किया था इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रीलांसिंग से वहाँ ही मैंने एंड किया और अपना जो मेन पर्पस था वो मैंने बताया अपने आर्टिकल का कि यहाँ पर आपका करियर सिक्योर है एज अ फ्रीलांसर. ठीक है, तो इस तरह से मैंने अपने चारों जो स्टेप्स हैं उनको मैंने कवर किया. टाइटल के लिए मैंने आपको बताया कि आप वीडियो देख सकते हैं. इंट्रोडक्शन के लिए मैंने आपको यहाँ पर 4 टाइप्स के इंट्रोडक्शन दिखाए जिस तरह से आप अपना जो इंट्रो है वो स्टार्ट कर सकते हैं. एंड देन वी हैव मेन बॉडी. मेन बॉडी में हमारे पास सारे हेडिंग, सब हेडिंग्स, बुलेट्स, कॉलम्स, इंफोग्राफिक्स, पिक्चर्स सब ऐड होंगी. एंड देन वी हैव कॉन्क्लूजन. ठीक है, तो इस तरह से आप ये चारों मेन स्टेप्स फॉलो करें और अपना जो आर्टिकल है उसको प्रॉपरली स्ट्रक्चर कर सकते हैं. सो आई होप यू लाइक द वीडियो एंड नाउ यू नो दैट हाउ टू स्ट्रक्चर योर आर्टिकल. अगर आप ये सारे स्टेप्स वन बाय वन फॉलो करेंगे और इसको आप अच्छे से यूटिलाइज करेंगे तो आपकी आर्टिकल की रीडेबिलिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज होगी, आपका आर्टिकल फ्लो में होगा और आपके रीडर टिल द एंड आपका आर्टिकल जरूर जरूर पढ़ेगा. सो फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकॉन फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज. थैंक यू.